आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज की सब्जी। उसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, प्याज जो मैंने पहले से ही काट लिया है। आइए शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करें। उसके लिए 1 चम्मच तेल कढ़ाई में डालिए, इसको गरम होने दीजिए। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। ये फ्राई हो चुकी है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें 1/2 चम्मच तेल चाहिए, 2 इलायची, जीरा, काली मिर्च डालेंगे। इसके बाद लहसुन, अदरक और मिर्ची। इसके बाद प्याज डालेंगे, इसको थोड़ी देर पकने देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर गलने तक पकाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे कि टमाटर जल्दी गल जाए। मेरा मसाला रेडी हो चुका है, अब इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। इसके बाद ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे। आप चाहें तो दूसरा पैन ले सकते हैं, लेकिन मैं उसी में बना रही हूँ। इसमें डालेंगे दालचीनी और लौंग, करेंगे हल्दी। ज़्यादा गर्म तेल में मत डालिए, नहीं तो हल्दी जल जाएगी, इसीलिए इसे कम गर्म तेल में ही डालना चाहिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। लो फ्लेम में इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकने दें। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखेंगे, किनारे किनारे से तेल छोड़ने लगा, यानी मसाला हमारा भुनने लगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। दो मिनट के लिए फिर इसको ढक के पकने देंगे। गैस लो करके इसमें 4 चम्मच दही डालेंगे। इसको तेज आंच में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें नमक ऐड, इसमें पानी ऐड करें। मेरी सब्जी तो रेडी हो चुकी है, इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। गर्मा गर्म सर्व करें। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।